दोस्तों ये पल्सर 150 है, इसको टाइमिंग रॉन्ग हो गया, इसको ज्यादा चलाया है, 3310 किलोमीटर ही चला, मात्र 3000 किलोमीटर ही चला है। आप देख सकते हो ये स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका लग रहा है टाइमिंग रॉन्ग है। हम इसको खोलेंगे, पहली बार खोल रहा हूं इसको 150 को, इसको टाइमिंग के लिए पहले मैग्नेट खोलेंगे, फिर साइड में खोल के ढक्कन दिखाता हूं कैसे खुलते हैं। आरटी गोटी से मशीन से खोलेंगे, इसको लंबा बोल्ट होता है आपके नंबर, फिर हम मैग्नेट निकालेंगे आराम से, गियर लीवर साफ का खोलेंगे, गियर निकाल निकालेंगे, उसके बाद मैग्नेट के निकालेंगे, इसको ऐसा होता है, हम ये निकाल के पहले हम इसको इसमें फिरा देंगे। अब इसको टाइमिंग हम करते हैं, कहाँ दोस्तों, इधर का टाइमिंग ये है, और उस साइड का टॉप खोलेंगे, यहाँ बार कोड भी दिया हुआ है इस मैग्नेट में, इसमें इससे पहले मैंने नहीं देखा था, और इधर भी बार कोड दिया हुआ है, ये भी मैंने नहीं देखा था, और इस टॉप खोलेंगे ऊपर वाला, फिर देखते हैं टाइमिंग रॉन्ग है कि क्या है, ये स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। 10 की टीवी से खुलेगा, 4 है टॉप पे, थोड़ा उस साइड पर भी खोलेंगे, 10 नंबर ये टीवी से इस साइड पर खोलेंगे। ये टॉप उठाया हमने, ये देखो कितना पतला टॉप उठा, पहले मैंने कभी पी का खोला नहीं था, अभी खोला हूँ, ये देखिए कैसे है, ये हेड का भी सिस्टम इसको चेंज है, ना पल्सर की तरह ना एनएस की तरह, ये अलग है, रोकर इस साइड से है, एक ही साइड में, और इसका टाइमिंग पूरा ही रॉन्ग है, इसका टाइमिंग पूरा रॉन्ग है, टाइमिंग यहाँ है, ये यहाँ है, इसका पहले हम टाइमिंग करेंगे, टी इधर है, ये यहाँ पे आएगा सीधा, फिर फ्रंट पे आएगा टॉप पे, फिर ये ठीक जाएगा, इस बार पहले टाइमिंग सीधा करते हैं, टाइमिंग 14 की गोटी से खोलेंगे, टाइमिंग करना ठीक है, 14 नंबर का बोर्ड इतना लंबा है, ये देखो मैंने खोला, और इसको टाइमिंग करेंगे।